अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तस्वीर हुसैन और आप देख रहे हैं कार EFI इलेक्ट्रिशियन। दोस्तों सबसे पहले जो आपके काफ़ी सारे सवाल आता रहता है कि एक आम सी जो डिवाइस हो जो कि हमें ये बता दे कि हमारी फ़र्ज़ करें ये गाड़ी में चेक इंजन लाइट आ रही है या फिर गाड़ी का टेम्परेचर हमने देखना हो कि चूँकि बास टाइम हम जब चेंज करते हैं इसका ऑटो फैन वगैरह स्विच चेंज करते हैं और हमें पता हो जाए किस तरह से कि इस टाइम गाड़ी का टेम्परेचर कितना है या चेक इंजन की छोटे मोटे फॉल्ट जो हैं इसको हम स्कैन करें, तो उनके लिए मैं आपको ये डिवाइस रिकमेंड करूंगा जो कि हमने दराज से परचेज़ की है। तो जी उसके लिए ये जो आप डिवाइस मेरे हाथ में देख रहे हैं ELM327 ये जो डिवाइस है, इसके साथ आप होंडा करोला और निसान इन गाड़ियों की जितनी कंपनी की जितनी गाड़ियाँ हैं इनको आप इसके आसानी के साथ स्कैन कर सकते हैं। अभी इस गाड़ी में चेक इंजन लाइट भी आ रही है और इसकी ये होंडा सिटी 2005 है, तो यहाँ पर नीचे इसका अडाप्टर आता है, ये इसके अंदर हम इसको लगा देते हैं और जब हम इसको लगाएँगे तो मैं आपको अगर शो करवा सकूं तो आप देखेंगे कि इसकी लाइटें दो तीन ऑन हो जाती हैं। ये अभी आपने ये देखी है लाइट जिस तरह से ब्लिंक की है लाइट ने, ये इसका मतलब है ये आ चुकी है। और इसके लिए जो ऐप है वो भी मैं आपको शो करवाता हूँ। तो जी दोस्तों इसके लिए जो ऐप हम यूज़ करेंगे वो कारबेट है। कारबेट हमने प्ले स्टोर से सिंपल डाउनलोड किया है और इसको जो ही हमने ओपन किया है तो ये अभी ब्लूटूथ के ज़रिए खुद ही उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ आप देखेंगे डेटा चेंज होना शुरू हुआ है, तो अब मेन स्क्रीन में हम आ चुके हैं, यहाँ भी अभी डेटा आ जाएगा। जो ही इसने डेटा शुरू किया तो फौरन जी इसने सबसे पहले RPM आ गए, उसके बाद आ गया कैलकुलेटर इंजन लोड और उसके बाद ये थ्रोटल पोजीशन जितना हमने एक्सीलेटर दबाया होगा उस हिसाब से, और सबसे नीचे आप देखें तो इंजन कूलेंट टेम्परेचर इसमें आ रहा है, यानी कि इसकी छोटी मोटी रीडिंग आप अगर कहीं लेना चाहें तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको अगर थोड़ी बहुत समझ आए इसकी तो इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें इंसान इसको देख के समझ जाता है। उसके बाद इसमें जो मेन मसला आ रहा था वो आ रहा था ये चेक इंजन लाइट का, तो चेक इंजन लाइट के लिए भी इसमें फंक्शन मौजूद है और हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एक और ऐप है जो कि टॉर्क है, टॉर्क लाइट, वो भी हमने प्ले स्टोर से ऐप की हुई है, उसको अभी मैं आपके सामने ये इसको हम करेंगे तो इसमें हम इसके फॉल्ट वगैरह आसानी से देख लेते हैं। जो ही इसके साथ कनेक्ट हुई है तो इसकी सेटिंग का ये जो नीचे बटन है इस पर हम के फॉल्ट कोड में जाएंगे और इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन है, तो सबसे पहले शो करवाते हैं शो लॉग्ड इसका जो फॉल्ट है वो, ये देखें इसने फ़ौरन से देख लिया है दो फॉल्ट इसमें आ रहे हैं 0113 और 114। और अगर इसकी मज़ीद हम अंदर जाएँ तो ये कहता है इंजेक्शन पम्प टाइमिंग और ये फॉल्ट कोड में हम जाएंगे तो ये क्लियर करना चाहेंगे अगर उसको, तो यहाँ से क्लियर भी हम कर सकते हैं। इसका कोड अगर पढ़ना चाहें तो वो पढ़ के इसमें मज़ीद हमने जो भी काम करना होगा वो आसानी से कर लेते हैं। तो ये एक छोटी डिवाइस है तो इसने अच्छा काम किया है। जी दोस्तों जैसा कि आपने देखा इस डिवाइस के ज़रिए हमने इसका फॉल्ट कोड भी देख लिया था और हमने टेम्परेचर भी इसका देखा दो मुख्तलिफ ऐप्स के ज़रिए, एक में कारबिट के ज़रिए इसे देखा था और दूसरी जो वाई थी वो टॉर्क जो हमारी ऐप है डाउनलोड की हुई है दोनों प्ले स्टोर से, इनके ज़रिए आप इसके छोटे मोटे फॉल्ट्स भी देख सकते हैं। छोटा मोटा काम अगर आप करना चाहें तो इसके ज़रिए से आप कर सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में अल्लाह हाफ़िज़।